press the subscribe button and don't forget to press the bell icon to get notification of newly uploaded videos. Hello friends, welcome back to our channel RitzTipz. आज के डेट पे WhatsApp एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है और बहुत सारे स्मार्टफोन यूजर इस ऐप को यूज करते हैं। जब भी आप WhatsApp पे किसी के साथ चैटिंग करते हो तो एक ऑप्शन तो आपको दिखाई होगा जो है लाइव लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन। क्या आपको मालूम है कि आप एक फेक लाइव लोकेशन क्रिएट करके अपने दोस्त के साथ वो शेयर कर सकते हो, और जब आप किसी भी YouTube वीडियो को अपने WhatsApp के स्टेटस में अपलोड करने की ट्राई करते हो तो बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप बहुत ही इजीली किसी भी YouTube वीडियो को अपना WhatsApp के स्टेटस में अपलोड कर सकते हो। तो आज इस वीडियो को आप आगे तक देखते रहिए। आज इस वीडियो में हम लोग इसी टाइप का कुछ इंटरेस्टिंग व्हाट्सएप ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिसे यूज करके आप व्हाट्सएप को और बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देख लेते हैं कि कैसे आप एक फेक लाइव लोकेशन क्रिएट करके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी सीरियस पर्पस में इस ट्रिक को यूज मत कीजिए, सिर्फ अपने फ्रेंड को चौंकाने के लिए इस ट्रिक को यूज कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पे विजिट करना है। प्ले स्टोर पे विजिट करने के बाद मॉक लोकेशन बोल के सर्च कीजिए और इस टाइप का आइकन वाला जो ऐप आपको दिखाई देगा उसे सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद वो आपसे कुछ एक्सेस मांगेगा, उसे अलाउ कीजिए। अब आपको अपना फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है वहां पे जाना है। अगर आपका फोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं किया हुआ है तो आप आपका फोन का जो बिल नंबर है उसे 7 बार टैप कीजिए। टैप करने के बाद आपका फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। तो आपको अपना फोन का डेवलपर ऑप्शन में जाना है, वहां पे आपको सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप बोल के एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप बोल के एक ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करने के बाद आपको आपने प्रीवियसली जो ऐप इंस्टॉल किया था मॉक लोकेशन का वो दिखाई देगा, उसे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसे मिनिमाइज कर दीजिए और जो मॉक लोकेशन का ऐप है उसे ओपन कीजिए। तो ओपन करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। मान लीजिए आप ये चाहते हो कि आप कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक अपना जर्नी शो करोगे और अपना जो स्टार्ट लोकेशन है वो आपको कोलकाता सेट करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कीजिए और कोलकाता बोल के सर्च कीजिए। ठीक है, सर्च करने के बाद ये कोलकाता आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस कीजिए। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप फिर से सर्च कीजिए, सिलीगुड़ी सर्च कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलीगुड़ी दिखा रहा है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे अपना एंड लोकेशन सिलेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको एक रूट दिखाई देगा। ठीक है, आपको एक रूट दिखाई देगा, उसे रूट जब क्रिएट हो जाएगा तो आप ये जो ग्रीन टिक है उसे टिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो वहाँ पे दिखाएगा और ये भी दिखाएगा कि आप कितने स्पीड से जो ट्रैवल का जो लोकेशन चेंज होगा वो कितने स्पीड से चेंज होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 60 किलोमीटर है, उसको 60 किलोमीटर ही रहने देता है। उसके बाद गो का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो रूट है वो क्रिएट हो गया और आपका जो लोकेशन है वो भी कलकत्ता शो करेगा। तो चलिए अब व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। पे इस चैटिंग में मान लीजिए मैं अपना जो लाइव लोकेशन है उसे शेयर करता हूं, तो यहां पे लाइव लोकेशन तो आप देख सकते हो कि कलकत्ता मेरा लाइव लोकेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ मेरा जो लोकेशन है
वो कोलकाता सिलेक्ट हो गया, लेकिन मेरा जो एक्चुअल लोकेशन है वो कलकत्ता नहीं है। और आप ये देख सकते हो कि मेरा लाइव लोकेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, सिलीगुड़ी के टूवर्स जा रहा है। शेयर कर दोगे तो मेरा जो लाइव लोकेशन है वो कलकत्ता टू सिलीगुड़ी का रूट में शो करेगा। तो इस तरह से आप अपना जो लाइव लोकेशन है उसे चेंज कर सकते हो और चेंज करके अपना फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि किसी भी YouTube वीडियो को आप डायरेक्टली WhatsApp के स्टेटस में शेयर करोगे तो वो भी पॉसिबल है। उसलिए आपको चाहिए एक ऐप जिसका नाम है WhatsBox। इस ऐप का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ऑलरेडी इस ऐप को इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो चलिए इस ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है पावर फीचर्स बोल के, वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है YouTube टू स्टेटस, ये ऑप्शन को यूज करके आप अपना जो YouTube वीडियो है उसको आप WhatsApp स्टेटस पे भेज सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट YouTube ओपन करते हैं। मान लीजिए ये जो वीडियो है Vivo V15 Pro का अनबॉक्सिंग, इसको मैं अपना WhatsApp स्टेटस में सेंड करना चाहता हूँ। तो पहले इसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद शेयर पे जाके, Hi there, this is Ranjit and this video will be doing the unboxing. इस वीडियो का लिंक को कॉपी करते हैं। कॉपी हो गया तो फिर मैं WhatsBox पे जाना पड़ेगा। WhatsBox पे जाने के बाद YouTube स्टेटस का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कीजिए, सेट टू स्टेटस कीजिए और यहाँ पे आपका जो वीडियो का लिंक है उसे पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद सेंड टू स्टेटस कीजिए और ये वो वीडियो को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये वीडियो शो कर रहा है और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो कि आप इस वीडियो का कुछ एक पार्ट को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी भेज सकते हो। ठीक है, तो आप क्रॉप करने के बाद जब आप ट्रिप एंड शेयर ऑन व्हाट्सएप करोगे तो ये डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को बहुत ही ईजी तरीके से अपना व्हाट्सएप के स्टेटस पे ऐड कर सकते हो। और इस ऐप पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे कि स्टेटस डाउनलोडर। स्टेटस डाउनलोडर पे क्लिक करने के बाद ही आपने जिन जिन फ्रेंडों का स्टेटस देखे हुए हो वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मान लीजिए इस स्टेटस को आपको सेव करना है तो आप उस पर सिंपली क्लिक करके सेव टू गैलरी अगर कर दोगे तो यहाँ से आप सारे स्टेटस अपने फ्रेंड्स का किसी भी टाइप का स्टेटस सेव कर सकते हो। तो उसके बाद आपको डायरेक्ट चैट लिंक बोल के ऑप्शन दिखाई देगा, इसको अगर आप फॉलो करोगे यहाँ पे एक नंबर डालने के बाद, नंबर मतलब जिस नंबर को आप अपना मोबाइल में सेव नहीं करना चाहते हो लेकिन उसके साथ चैटिंग करना चाहते हो उसको यहाँ पे ऐड कीजिए। यहाँ पे ऐड करने के बाद एक लिंक जनरेट होगा, उसे कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद किसी भी ग्रुप पे उस लिंक को पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आप उस लिंक को यूज़ करके उस नंबर के साथ चैटिंग कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस वीडियो स्प्लिटर बोल के एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन को यूज़ करके आप जो अगर किसी भी डाउनलोड किया हुआ वीडियो को व्हाट्सएप के स्टेटस में अपलोड करना चाहते हो तो उसे स्प्लिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन दिखाई देगा व्हाट्सएप स्माइली बोल के, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप का स्माइली दिया हुआ है जिसको आप व्हाट्सएप के चैटिंग में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक टेक्स्ट साइज को कंट्रोल कर सकते हो। क्लीनर बोल के एक ऑप्शन है जिसको यूज़ करके आप व्हाट्सएप का जितना आपका फाइल है उन सारे को क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस तरीके से बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। ऐसे और एक ऑप्शन है हु व्यूड माई प्रोफाइल, जिसको यूज़ करके कौन कौन आपका फ्रेंड जो आपका प्रोफाइल विजिट किया है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है, इस पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा और इसको यूज़ करके आप व्हाट्सएप को और भी बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकोगे। तो ये था मेरा एक वीडियो जिसपे मैंने व्हाट्सएप के कुछ सारे ट्रिक के बारे में बात किए।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी नया व्यूअर अगर मेरा इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो बेल वाला आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।